अगर आपके पास मोटो G82 है या फिर जी सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप कॉल फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे नंबर पे। इसके लिए जाएंगे आप सेटिंग पे, सॉरी सेटिंग से नहीं जाना है, आपको डायलर पैड पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे आप थ्री डॉट पे जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद कॉलिंग अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पर जाना है, और वोडाफोन या फिर जियो कौन से सिम की सेटिंग करनी है, तो मैं जियो पे क्लिक कर लेती हूँ। जियो पे यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे, वेट कर लेंगे, सिम रीड हो रही है आपकी। तो यहाँ पे ना सिम कार्ड एरर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो रखा है, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर दूँगी, और यहाँ पे चार पांच ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ऑलवेज फॉरवर्ड, यानी कि आप हमेशा अपनी कॉल जो है किसी और नंबर पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और व्हेन बिज़ी, जब आप फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं उस दौरान किसी की कॉल आती है तो किसी और नंबर पे ट्रांसफ़र होगी। व्हेन अनआंसर्ड, यानी जब आप कॉल एक बार में नहीं उठाते हैं, दूसरी बार कॉल आता है तो आपका यहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड हो जाता है दूसरे नंबर पे। व्हेन अनरीचेबल, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अनरीचेबल वाला होता है। अगर आपका एयरटेल का नंबर है तो हो सकता है एयरटेल का नंबर यहाँ पे शो करे, जिससे आपको मैसेज रिसीव होता है कि दिस पर्सन का कॉल आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एयरटेल का नंबर, तो उसको क्लिक करके आप अपना नंबर डाल के अपडेट कर देंगे, और अगर इस पर क्लिक करके आप अपना नंबर डालेंगे तो जब आप आउट ऑफ स्टेशन होंगे, अनरीचेबल मतलब ऐसे नेटवर्क में रहेंगे जहाँ पे कॉल वॉल नहीं लगती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अनरीचेबल वाले पे अपना नंबर डाल के ओके कर देंगे, तो डायरेक्टली आपके दूसरे नंबर पे कॉल जाएगी जब आप नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर रहेंगे तब। ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे कॉल फॉरवर्ड के लिए, अनरीचेबल वाला, ठीक है, और नंबर डाल के ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।